धन्यवाद। आज मैं आपको पदबंध जो आपके परीक्षा के लिए अति आवश्यक है, पदबंध को आप मालूम है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और विशेषण पदबंध, पांच को होता है। इसी पांचों में ये रन करता है, इसी पांचों के आधार पर आपको समझना है क्या है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित पदों का पदबंध भेद बताएं। पदबंध का भेद पांच को बताया आपसे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया क्रिया विशेषण और विशेषण। अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र थे। इसमें अयोध्या के राजा दशरथ यहां तक घेरा हुआ है। किसके लिए कहा जा रहा है? दशरथ के लिए। दशरथ कहां के राजा हैं इससे मतलब नहीं है। किसके लिए कहा जा रहा है? दशरथ के लिए। तो दशरथ शब्द क्या है? संज्ञा है। तो कौन सा होगा? ये संज्ञा पदबंध। ये संज्ञा पदबंध होगा। धीरे चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। धीरे चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से, धीरे चलने वाली, ये किसकी विशेषता है? गाड़ी की विशेषता है। तो कौन सा ये होगा? गाड़ी कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। लेकिन धीरे धीरे चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती है, तो ये विशेषण पदबंध इसका होगा। गाड़ी की विशेषता क्या है? धीरे धीरे चलना। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को गिरने से बचा लिया। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, देखिए आप क्या है? अब आप कैसे बच्चे को बताते हैं इससे मतलब नहीं है। अगर केवल बिजली सी फुर्ती तक हुआ होता तो क्या होता? विशेषण, विशेषण होता। बस यही समझ लेना है। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को गिरने से बचा लिया, ये हो जाएगा विशेषण, ये सर्वनाम पदबंध। बरगद और पीपल की घनी छांव, बरगद और पीपल की घनी छांव, बरगद और पीपल की छांव कैसी है? घनी है। तो घना शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ ना। बरगद और पीपल की कैसी छांव है? तो घनी छांव है। तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। घनी छांव, इसलिए घनी छांव यहां पर है, तो घनी छांव ये विशेषण हो जाएगा, विशेषण पदबंध। दो ताकतवर लोग इस चीज को गिरा पाए। ताकतवर पर केवल नहीं है, दो ताकतवर लोग, दो ताकतवर लोग हैं। दो ताकतवर लोग, इसमें सर्वनाम कहां है? संज्ञा पदबंध होगा, ध्यान दो। दो ताकतवर लोग, केवल ताकतवर पर अगर दिया होता तब विशेषण पदबंध होता। दो ताकतवर लोग हैं, दो लोगों की बात है।
तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंद। लेकिन एक और बात है इसमें, संख्यावाचक विशेषण होता है ना, कितने लोग हैं? दो लोग हैं, दो ताकतवर लोग। लेकिन अभी कि दो ताकतवर लोग हैं, अगर दो ताकतवर हुआ होता तब जाकर के विशेषण होता, लेकिन दो ताकतवर लोग हैं इसलिए संज्ञा पद बंद हो गई है। इसी को सोचना है, समझना है। उसका तोता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी, ये तो क्लियर है, विशेषण पद बंद सीधे, अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी। अगर उसका पकेर होता तो क्या होता? सर्वनाम पद बंद है। पर केवल होता तो क्या होता? क्रिया पद बंद। ये ध्यान दो, ये हो जाएगा विशेषण पद बंद। बातें करने वाले बच्चों में कुछ पकड़े गए, कुछ पकड़े गए। बातें करने वाले बच्चों में से कुछ पकड़े गए। सर्वनाम कुछ नहीं होता है, क्या कौन होता है? विशेषण में होता है परिमाणवाचक विशेषण कुछ, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक। बातें करने वाले बच्चों में से कुछ पकड़े गए, कुछ पर निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ, सर्वनाम में होगा, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसलिए कुछ सही है। छत, उस छत के कोने में बैठा हुआ, उस छत के कोने में बैठा हुआ। व्यक्ति पागल नहीं दिया है, केवल उस छत के कोने में बैठा हुआ, उस छत के कोने में बैठा हुआ, क्रियापद बंद, बैठा हुआ। कहां बैठा है? तो उस छत के कोने में, क्रियापद बंद। वह बाजार की ओर आया होगा, ये तो क्लियर है, आया होगा। आना और होना दोनों क्रिया है, इसलिए क्या होगा? क्रिया पद बंद होगा। हम नहीं पूछ रहे हैं किसी को खड़ा करें कि कम से कम आप पहले समझ लो इसको ढंग से, ये कैसे क्या होगा, वो तो खोजने से मिल गया एमसीक्यू, नहीं तो बहुत मुश्किलें हो जाता, नहीं हो पाता। लेकिन मिल गया किस तरह से? विरोध करने वाले व्यक्तियों में से कोई, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध। सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कोई मतलब कौन? कोई निश्चित नहीं है कौन है कोई। मुझे रिया घर से दिखाई दे रही है, देखना, दिखाई देना, रहना, क्रिया, क्लियर। आसमान में उड़ता गुब्बारा, आसमान में उड़ता गुब्बारा, गुब्बारा के लिए कहा गया है संज्ञा। आप सही समझ रहे हैं, इस लास्ट वाले पर ध्यान दो चाहे जितना ही लंबा हो। अपने दोस्त के साथ वह चला गया, इसमें अव्यय पदबंध कहां से आ गया? होता होगा सोई, इसलिए कि अव्यय ही होगा ये, के साथ, इसका कहीं रूप बदलता नहीं है, इसलिए अव्यय पदबंध याद रखेंगे। साथ साथ, के साथ,
इधर उधर ऊपर नीचे इस तरह के सब जहां भी आए और रेखांकित हो आंख मूंद के अव्यय पद बने। राकेश नदी में डूब गया, अब तो आप समझ रहे हैं, अब हम पूछते हैं, खड़ा करके पूछेंगे आप क्यों। डूब गया, इसमें कई गो क्रिया है, डूबना आएगो जाना, डूब जाना डूब गया, दो को पदबंध है ना, दो को क्रिया है ना, इसलिए ये क्रिया पदबंध होगा। दूसरा तरीका कि इसका रेखांकित शब्द जो है केवल क्रिया पर किया गया है, इसलिए क्रिया पदबंध होगा। इतनी लगन से काम करने वाला मैं, इतनी लगन से काम करने वाला मैं को सूचित करता है तो क्या होगा, थैंक यू, सर्वनाम पदबंध। राहुल की बड़ी बहन रिया, संज्ञा पदबंध, राहुल की बड़ी बहन, अब खिड़की बंद किया जा सकता है, बंद करना सकना करना किया जाना, इसमें कई गो क्रिया है, इसलिए सारे क्रियाओं का एक समूह है, इसलिए क्रिया पदबंध। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, तक सुबह से शाम तक, लेकिन एक बात है, इसके पहले वाला जो अव्यय दिया था उसमें क्रिया विशेषण नहीं था, था उसमें ऑप्शन में क्रिया विशेषण, इसमें क्रिया विशेषण दिया हुआ है, तक क्रिया विशेषण है, अव्यय भी है और क्रिया विशेषण भी है, तक है? सुबह से शाम तक, समय का बोध जो कराता है उसे क्या पता चलता है कि कौन सा पदबंध है, उसे मतलब नहीं है। तक शब्द जो है ये इसका रूप कहीं चेंज नहीं होता है तो क्रिया विशेषण पदबंध ही होगा। इसके पहले वाला अव्यय में देखिए ना, अव्यय वाला कौन था, ये देखो इसमें क्रिया विशेषण दिया है, इसमें नहीं दिया है, देखो इसलिए यहां पर होगा क्रिया विशेषण पदबंध, सुबह से शाम तक। मेरी बेटी दिल्ली जा रही है, रेखांकित पद का नाम तुम बताओ, तो तुम बताओ, तो मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी नहीं मेरी बेटी है, बोलो सी सर्वनाम, तो फिर बेटी इसमें क्या है, किसके लिए कहा जा रहा है, बेटी के लिए कहा जा रहा है, इसलिए क्या होगा, विशेषण नहीं होगा, संज्ञा पदबंध होगा, मेरी बेटी। अब मेरी बेटी कौन है जिसका नाम होगा उसको इंगित कर रहा है, इसलिए संज्ञा पदबंध होगा। और अब मैं दिल्ली जा रहा हूं, तुम दिल्ली जा रहे हो, वह दिल्ली जा रहा है, उसका भाई दिल्ली में रहता है, अब उसका मैं और वह के नीचे अगर चिन्हित किया गया होता तो अब वो होता क्या, सर्वनाम पदबंध। बैठिए,
अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए, जिसे पूछेंगे बताएगा, आप पीछे टोपी वाले सोच के बताओ, हैं? क्यों? आपका उत्तर तो सही है लेकिन थोड़ा सा इसको समझाइए हमको, इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? चलने की विशेषता, और अरुणिमा की विशेषता नहीं, किसकी विशेषता? चलने की विशेषता। तो चलना क्या है? क्रिया है। उसकी विशेषता बताई जाए तो क्या कहेंगे उसको? विशेषण, क्रिया विशेषण। आसमान में चलने की विशेषता। मोहन धीरे धीरे दौड़ता है, धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची, इसमें क्रिया विशेषण पदबंध होगा। बैठिए। इस तरह से 20 एमसीक्यू बीसी मिले, देखते हैं और मिलता है अगर ऐप पर तो उसको देख करके फिर निकाला जाएगा तत्काल। बीसी ही आपको समझाया गया, ये पैटर्न है, इस आधार पर आप किताब से सहारा लेकर के उसको थोड़ा सा, सबके पास किताब है ना, किताब का सहारा लेकर उसको अपने मन से, उसको जिस तरह से मैथ में सवाल हल करते हैं उस तरह से अपने दिमाग में हल कर लीजिएगा।